एसगार्डियन थंडर गॉड थॉर कॉमिक में कितना पावरफुल है, चलो आज के वीडियो में हम जानेंगे। इसमें हम एमसीयू के थॉर के बारे में बात नहीं करेंगे कि उसने क्या क्या अनबिलीवेबल हरकतें किया है, क्योंकि वो तो सबने देखा ही है। आज हम लोग थॉर के ऐसे पावर्स के बारे में जानेंगे जो मूवी में नहीं दिखाया गया है। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू, मैं आ चुका हूँ एक और लाजवाब वीडियो के साथ। थॉर एक ओमनीपोटेंट गॉड नहीं है। ओमनीपोटेंट गॉड यानी एक ऐसा गॉड जो ऑल पावरफुल है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स हो, जो कुछ भी कर सकता हो, जिसके लिए कोई फिजिकल और लॉजिकल लिमिटेशंस ना हो, जिसके पास होल क्रिएशन का कंप्लीट अथॉरिटी हो। एनीवेज, थॉर ओमनीपोटेंट नहीं है, सो हम इस टॉपिक पे डीप नहीं जाएंगे। सभी एसगार्डियन गॉड्स के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होता है, ये उनकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी है। बट सभी एसगार्डियन में थॉर के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। उसके फीट्स के बारे में हमने पहले एक शॉट में डिस्कस किया था, जहां थॉर ने मल्टीपल माउंटेन्स, सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स एंड मून्स को डिस्ट्रॉय किया था, एंड हरक्यूलिस के साथ आर्म रेसलिंग करते हुए अर्थ को ऑर्बिट से हटा दिया था। उसका स्किन, टिश्यू, बोन्स एक नॉर्मल ह्यूमन से मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर एंड डेंस है। यही वजह है कि एक कैरेक्टर चाहे कितना ही वर्दी क्यों ना हो, वो म्योलनीर को थॉर जितना स्ट्रांगली थ्रो और समन नहीं कर सकता है। थॉर रैग्नारोक में भले ही वो हेला के हाथ से म्योलनीर को समन बैक नहीं कर पाते, बट कॉमिक में उसने ब्लैक होल के अंदर से म्योलनीर को समन किया था। म्योलनीर अपने रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को पार करते हुए थॉर के पास पहुंच सकता है। इसके अलावा थॉर का वेदर मैनिपुलेशन पावर भी एमसीयू में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। थॉर चाहे तो हरिकेन, ब्लिजर्ड्स, अर्थक्वेक एंड टाइडल वेव क्रिएट कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस एसगार्डियन शिप पे अटैक करता है, तब थॉर उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करता है। कुछ का कहना है क्योंकि थॉर के पास म्योलनीर नहीं था, कुछ का कहना है वो लोग स्पेस में थे तो वहाँ लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे कर सकता है, एंड कुछ का कहना है थॉर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करता तो शिप के सभी लोग खतरे में पड़ जाते। रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, थॉर का लाइटनिंग किसी भी एनवायरनमेंट में स्ट्राइक कर सकता है। आसमान में क्लाउड हो या ना हो, चाहे वो लोग ओपन स्पेस वैक्यूम में ही क्यों ना हो, बट थॉर अपने लाइटनिंग का यूज कर सकता है। म्योलनीर के पास भी अपना कुछ स्पेशल जो अब तक एमसीयू में नहीं दिखाया गया। लाइक म्योलनीर एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, जो इतना पावरफुल होता है जिसको गॉड ब्लास्ट कहा जाता है। इसके अलावा म्योलनीर एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिडायरेक्ट कर सकता है, मैजिक को डिस्पेल कर सकता है, एंड पोर्टल यूज करके एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल भी कर सकता है। यहाँ तक हमने थॉर के पास बेसिक पावर्स को ही देखा। थॉर के पास इसके अलावा भी एक पावर है जो उसे नियरली ओमनीपोटेंट गॉड बना देता है, ओडिन फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो एसगार्ड के थ्रोन पर बैठने वाले के पावर्स को ओवर टाइम इंक्रीज करता रहता है। ओडिन फोर्स का ट्रू पोटेंशियल आज तक अननोन है, बट कहा जाता है ये लगभग हर चीज करने में केपेबल है। जब थॉर को ओडिन फोर्स का एक्सेस मिलता है तो उसको फिर थॉर फोर्स नाम मिलता है। थॉर फोर्स का यूज करके थॉर ने पूरे एसगार्ड को ही कॉस्मोस में टेलीपोर्ट करवाया था। चलो अब कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।